नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुदानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जीरो एफआईआर के बारे में। दोस्तों जीरो एफआईआर को जो है नील एफआईआर भी कहा जाता है और जो जीरो एफआईआर का कंसेप्ट है वो क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 के तहत लागू हुआ। दोस्तों 2013 में जो क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट आया उसके तहत ही इस जीरो एफआईआर का कंसेप्ट भी आया। दोस्तों एक्चुअल में जीरो एफआईआर का कंसेप्ट आने का कारण क्या था, वो कारण ये था कि दोस्तों कई बार ऐसा देखा जाता था कि जब कोई घटना घट जाती थी उस दौरान में व्यक्ति जो है ये बात का पता नहीं लगा पाता था कि एफआईआर कहां करवाई जाए और इस चक्कर में वो घटना के जितने सबूत या घटना के दौरान में जो घटित हुई चीजें वो सारी मिट जाती यानी खत्म हो जाती थी। तो दोस्तों इसलिए इस कॉन्सेप्ट को लाया गया कि कोई भी व्यक्ति घटना स्थल से अन्यत्र यानी घटना स्थल के अलावा भी कहीं पर भी जो है एफआईआर दर्ज करवा सकता है, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और जो एफआईआर जो दर्ज कराएगा वो एफआईआर किसी नंबर के तहत दर्ज नहीं होगी, यानी उस एफआईआर को नंबर नहीं मिलेगा और वो एफआईआर जीरो मानी जाती है। नंबर के तहत में वो जीरो होती है, इसीलिए दोस्तों इसका नाम भी जीरो एफआईआर रखा गया। यानी कि ये जो एफआईआर जब किसी थाने में लिखवा जाती है तो वहां पे उस एफआईआर को नंबर नहीं दिया जाता और वो नंबर इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि ये जो एफआईआर है ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में उस कंसर्न थाने में ट्रांसफर कर दी जाती है जहां से ये घटनास्थल रिलेटेड था, यानी कि जहां से ये केस रिलेटेड था और जहां ये ट्रांसफर की जाती है दोस्तों उस थाने में उस एफआईआर को नंबर दिया जाता है, इसीलिए इसको जीरो एफआईआर यानी नील एफआईआर भी कहा जाता है। दोस्तों इसको लागू करने के पीछे कारण क्या था, कारण ये है दोस्तों कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई बार महिला कहीं ऐसी ऐसी जगह पे है जहां पे वो असुरक्षित है, यानी कि वो कहीं जाने लायक नहीं है, यानी घिरी हुई है चारों तरफ से। तो दोस्तों उस कंडीशन में वो फोन द्वारा अपने सगे संबंधियों या अपने पेरेंट्स को इस बात की सूचना दे सकती है और उसके जो पेरेंट्स हैं वो नज़दीकी थाने में जाके इस बात की इत्तला देके उसकी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं ताकि इमीडिएटली उस थाने द्वारा कंसर्न थाने में पुलिस जो है जाके वहां पे इन्वेस्टिगेट कर सके और उस घटना स्थल पे जो महिला है उसको ठीक ढंग से उसके वहां से निकाल सके। इसी तरह से दोस्तों कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति सफर में होता है और सफर के दौरान में उसके साथ कोई घटना घट जाती है और वो सफर के दौरान में एफआईआर नहीं करा पाता, तो दोस्तों जहां पर वो नजदीकी थाने पे उतरता है वहां एफआईआर करा सकता है ताकि जो है वो घटना में ज्यादा डिले ना हो। इसी तरह से कई बार दोस्तों देखने में ऐसा आता है कि रोड एक्सीडेंट के केसेस में व्यक्ति ये पता नहीं लगा पाता क्योंकि अनजान जगह होती है कि ये जो घटना स्थल है किस थाने के अंतर्गत आता है, तो व्यक्ति जो है नियरेस्ट थाने में जाके एफआईआर दर्ज करवा सकता है और वो थाना अधिकारी ये बात के लिए बिल्कुल ना नहीं कर सकता कि ये हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है या हमारा ये थाना के क्षेत्र में ये घटना स्थल नहीं आता। उस समय उसको एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति ना करता है तो दोस्तों उस ना करने वाले अधिकारी के ऊपर में भी एक्शन लिया जाता है। तो इस तरह से जीरो एफआईआर जो है जन साधारण को आसान रूप से जो है अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सके, इसलिए ये जीरो एफआईआर का कंसेप्ट लाया गया है क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 के तहत। और दोस्तों जो जीरो एफआईआर को जो मेन कारण है या जो मेन कॉन्सेप्ट है उसका जो कारण है वो यही है कि घटना स्थल पे तुरंत पहुंचा जा सके, घटना स्थल पे जो है सबूत नष्ट ना हो सके और घटना स्थल से ज़्यादा दूर तक अपराधी भाग ना सके, यानी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन इमीडिएटली उस केस में मिल जाए ताकि वहां से किसी भी तरह की कोई भी सबूत से छेड़खानी ना हो और उसके बाद में जो है वो एफआईआर कंसर्न थाने को ट्रांसफ़र कर दी जाए और जहां कंसर्न थाने में ट्रांसफर होगी वहां उस एफआईआर को बाकायदा नंबर मिलेंगे और जो पहले वाले थाने में वहां उसको कोई नंबर नहीं मिलते थे, वो जीरो नंबर से वहां पे दर्ज की जाती थी। तो दोस्तों ये था आज का डिस्कशन जीरो एफआईआर के बारे में, जिसे नील एफआईआर भी कहा जाता है। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।